अर्चना गौतम और शिव ठाकरे के बीच हुई बिग फाइट और क्या रीजन है उनके बीच हुई लड़ाई का, चलिए जानते हैं। हाय, दिस इज मी सुरभि और स्वागत है आपका बीबी वर्सेस बीबी 16 में, यानी कि भूगल बॉलीवुड वर्सेस बिग बॉस 16, जहां भूगल बॉलीवुड देगा आपको बिग बॉस के घर की हर छुपी खबर सबसे पहले। स्वागत है मैं बिग बॉस की आज की एक और न्यू अपडेट लेकर, और यहाँ बात होगी बिग बॉस के घर में हुए नए मसले की। जी हाँ, अर्चना और शिव ठाकरे के बीच में फिर से हो गई है बिग फाइट और उठ गया एक नया मसला। अब भाई अर्चना जब भी किचन में जाती हैं या तो वो किसी को टोकती नजर आती हैं या फिर किसी से झगड़ती नजर आती हैं। ऐसी अब फिर से अर्चना नजर आई है गौरी को टोकते हुए बर्तन साफ करने को लेकर। फिर उन्होंने टोका एमसी स्टैंड को और इसके बाद वो पीछे लग गई शिव ठाकरे के, जिसके बाद ये बात इतनी बढ़ गई कि इन दोनों के बीच में हो गई बिग फाइट। एक्चुअली में हुआ क्या है चलिए मैं आपको बताती हूँ। शिव ठाकरे कर रहे थे किचन में अपनी चाय बनाने का वेट, क्योंकि अर्चना काफी देर से कर रही थी वहाँ पर काम। लेकिन जब काफी देर हो गई तो शिव ठाकरे बनाने लगे अपने लिए चाय, लेकिन अर्चना गौतम ने उनके चाय का बर्तन हटाकर अपना पैन रख दिया, जिसकी वजह से उनके बीच में काफी ज्यादा फाइट हो गई। साथ ही मैं आपको बता दूं कि उनके फाइट के दौरान वहाँ पर नजर आए एमसी स्टैंड, शालिन भनोत, गौतम और सौंदर्य भी, और ये सभी सपोर्ट करते नजर आए हैं शिव ठाकरे को। उन सबने मिलकर अर्चना को समझाया कि चाय बनाने के लिए इतना टाइम नहीं लगता है, तो प्लीज आप इनको अपना काम करने दीजिए। अब भाई ये बिग बॉस का घर है तो बिग बॉस की किचन में खाना कम और मुद्दे तो ज्यादा बनने ही हैं। अब देखते हैं ये मुद्दा क्या यही हो जाएगा खत्म या इनकी लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी आगे, ये तो हमें जल्द पता चलेगा। आपका क्या है कहना इस पर हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिग बॉस की हर छुपी गॉसिप्स और अपडेट जानने के लिए बीबी वर्सेस बीबी 16।